मैं तो गाना गा रही थी। अच्छा अच्छा तो समझती हूँ। बाली उमरिया पतली कमरिया भारी गगरिया, इस प्यासे को दो घूंट पानी पिलाते जाओ। छोड़ो मेरा रास्ता मुझे, नहीं तो बापू से कह के वो मरम्मत करवाऊंगी कि सात जन्म की प्यास बुझ जाएगी। जय शंकर, बापू से तुम क्या कहो, बापू से तो हम ही बात कर लेंगे। अरे जरा सुनो तो सही, पानी ना से हंस के दो मीठी बातें कर लो मेरी। आज दो रुपए ज्यादा दे दो। आजकल धंधा तो है नहीं, ज्यादा कहाँ से दे दो। आज उधार दे दो, कल काट लेना। ये उधार का चक्कर ठीक नहीं शंकर। मोहन की माँ बहुत बीमार है, उसकी दवा के लिए दो रुपए दे दो, मैं कल डबल काम करके चुका दूँ। मगर काम होगा तो करोगे ना। देखो शंकर, जो मिलता है उसी में गुजारा करो, राशन लाओ या बीवी के लिए दवाई, मैं तीन से ज्यादा नहीं दे सकता। मंजूर हो तो कल काम पर आ जाओ। शंकर मुरली कौन? शंकर कितने कमाए आज? वही 3 रुपए, इससे ज्यादा मेरी किस्मत में है कहाँ। सारा दिन लोहे से लड़ता हूँ मगर मिलते हैं वही 3 रुपए, समझ में नहीं आता क्या करूँ। अरे वही करो जो मैं कहता आ रहा हूँ, चलो मेरे साथ, ऐसा हिसाब सिखा दूंगा कि यूं 3 के 13 हो जाएंगे। जय शंकर। कहीं ये 3 भी हाथ से निकल गए तो तुम्हारा जूता और मेरा सर। देखो अगर फायदा हुआ तो तुम्हारा और नुकसान हुआ तो मुरली का। चलो चलो। नहीं मुरली नहीं। अरे चलो ना भैया। लेकिन कहाँ? और 10 की मेरी भी हो गई भाई, 10 की मेरी भी। अरे अरे चले कहाँ, यहाँ तो जुआ हो रहा है। हाँ तो क्या हुआ, आओ आओ। जुआ बहुत बुरी चीज है मुरली, आदमी बर्बाद हो जाता है। हाँ शंकर दादा, बर्बाद तो तुम पहले ही हो, अब कौन सी कसर रह गई, डरते क्यों? डरने की तो बात है मुरली, मैंने हमेशा मेहनत और मजदूरी से पेट भरा है, हराम की कभी नहीं खाई। जय शंकर, ये हराम की रोटी नहीं है शंकर दादा, ये तो बहुत बड़ा हिसाब किताब है। अगर शकुनी मामा ये हिसाब किताब न जानते तो महाभारत कभी ना होता। तुम महाभारत को तो मानते हो ना? हाँ हाँ मानता। जय शंकर, तो फिर जुए से क्यों डरते हो, लगाओ तो। मैंने सुना है जुए में धर्मराज ने अपनी बीवी और राजपाट दोनों को हार दिया था, क्या ये डरने की बात नहीं है? अरे तुम धर्मराज की हार को मत सोचो, दुर्योधन की जीत का ध्यान करो, जिसने इसी हिसाब किताब से धर्मराज का राजपाट और रानी दोनों को जीत लिया। नहीं नहीं, मैं ये हिसाब किताब नहीं सीखता, मैं जाता हूं। सोच लो शंकर दादा, यूं लोहा कूट कूट कर बूढ़े हो जा, तुम्हारी राधा बगैर दवाई के तड़प तड़प कर जान दे देगी और तुम्हारा लाडला मोहन सड़कों पर भीख मांगता फिरेगा। तुम्हारी फूल सी बच्ची माला, उसके ब्याह की कोई चिंता नहीं तुम। मैं कहता हूं मेरी मानो और कर लो 3 के 13, तुम्हारे घर की सारी चिंता चिता में भस्म हो जाएगी। जय शंकर। चिंता करने की जरूरत नहीं दादा, घर गृहस्थी में दुख सुख तो लगे ही रहते। तो ठीक है बंसी काका, लेकिन न जाने आज इन्हें देर क्यों हो गई। आ जाएंगे। अरे तुम आ गए, आज इतनी देर क्यों लगा गए? जरा काम ज्यादा। अच्छा अच्छा, राम राम। राम राम। अरे क्या शोर मचा रखा है? ये देख, मैं तेरे लिए ये लाया, और तेरे लिए ये सलेट, और ये बहुत अच्छा है बाबू। माला मेरे लिए खाना लगा। अभी लगा, चल। क्या मजदूरी डबल हो गई?
नहीं। तो उधार लाए हो? नहीं, न उधार लाया हूँ और न उस लोहार के बच्चे ने मजदूरी डबल की है। हाँ, मुरली ने एक हिसाब सिखा दिया है जिसमें फायदा हो गया है। मुरली का हिसाब तो जरूर झूठा होगा। सच बताओ जी, कहाँ से लाए हो ये सामान? कहीं से भी आया, तुम्हें क्या? लो ये दवा पियो। दवाई गई चूल्हे में। सच बताओ ये सामान कहाँ से लाए हो? इतने साल लोहा कूटते हो गए, कभी तीन से चार नहीं हुए, आज ये खजाना कहाँ से मिल गया? सच बताओ नहीं तो फेंक दूंगी ये सामान। तुम होश में हो कि नहीं? मैं तो होश में हूँ, तुम अपने होश बेचाए हो। राधा, क्या तुम ये चाहती हो कि हमारा बच्चा स्कूल न जाए, माला चित्र सीसी कर अपना तन ढाके और तुम बगैर दवा के मर जाओ? ऐसी कमाई घर में आने से तो अच्छा है हम सब मर जाए। नहीं चाहिए सामान, ले जाओ। हिसाब ने तो मेरी काया पलट दी। जुए की देवी तुम पर मेहरबान है शंकर, बस इस खुशी में अब तुम मेरी भी काया पलट दो। बोलो, तुम्हें जो चाहिए ले लो, 100, 200, 300, 400, 500। क्या कहूं शंकर दादा, अब अकेले जिंदगी नहीं गुजरती। शाम को जब थका मांदा घर लौटता हूं तो घर की हर चीज काटने को दौड़ती, कई बार तो भूखे पेट ही सो जाता हूं। समझ गया समझ गया, तुम एक औरत ले आओ घर में, कम से कम रोटी की चिंता तो दूर होगी। मेरी कौन मदद करेगा शंकर दादा, मेरा कौन है दुनिया में? मैं हूँ, मैं मदद करूंगा तुम्हारी। तुम्हारी उम्र अगर ज्यादा हो गई है तो क्या हुआ, रुपया तो है तुम्हारे पास, तुम जैसे रसिया को किस चीज की कमी है? मुझे कोई ऐसी वैसी औरत नहीं चाहिए शंकर दादा, अब तो बस घर बसाने वाली चाहिए जयशंकर। है कोई लड़की तुम्हारी निगाह में? है तो सही, मगर कहो कहो, मुझसे क्यों शर्माती हो? कौन है वो लड़की? माला। माला? कौन माला? तुम्हारी बेटी माला। कमीने, शराब मैंने पी और नशा तुझे हुआ, फिर कभी मैंने तेरी जबान से माला का नाम सुना तो तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। जय शंकर, मत भूलो कि तुम जैसे शराबी और जवारी की बेटी का हाथ कोई इज्जत वाला इस गांव में नहीं पकड़े। माला की शादी मुझसे कर दो वरना जिंदगी भर कमाई बैठी रहेगी। कुत्ते, कमीने, 3-13 का हिसाब तूने इसलिए सिखाया था, शराब मुझे इसलिए चखाई थी कि सारा गांव मुंह फेर ले और मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुझ जैसे लफंगे से कर दूं, इससे पहले मैं तेरा सर न कुचल सकता। Thank you.
शंकर तुम भाग जाओ तुमने खून किया है। क्या हुआ माँ? तेरे बापू आए? अभी नहीं, मगर तुम्हें क्या हुआ था? एक भयानक सपना देखा था बेटी, जैसे तेरे बापू हमसे बहुत दूर जा रहे हैं। माँ, लो शायद बापू आ गए। बंसी काका, आप? बापू नहीं आए? माला बिटिया, आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। क्या हुआ? मुरली के चक्कर में फंस के शंकर न घर का रहा न घाट का। जुआ खान में शराब पीकर शंकर ने मुरली के सर पर लोहे की सलाख मारी और मुरली बिटिया रो मत बिटिया। तुम्हारा बापू पुलिस के डर के मारे शहर भाग गया है। शहर भाग गया? मुरली मर गया? नहीं, बच गया है, पर चोटें बहुत आई हैं। मगर चिंता तो इस बात की है बिटिया कि शंकर समझता होगा कि मुरली मर गया है और इसी डर के मारे वो शहर में छिपा रहेगा। यहाँ कहीं कुछ अच्छा खाना मिलेगा? अच्छा खाना? जी हाँ, हाँ मिलेगा। कहाँ? वो रहा सामने। अच्छा अच्छा, शुक्रिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम बड़े फख्र के साथ आज पहली बार आपके सामने बगदाद की मशहूर व मारूफ रक्कासा लैला लतीफ को पेश करते हैं। लैला लतीफ। राहों में बढ़ता है जितना अंधेरा।
गई मेहरबान। ये कितने हुए? सिर्फ 20 रुपये। 20 रुपये मेरे या इन सबों के? तुम्हारा है पहलवान, खाने का और गाने का। मगर मैंने तो खाना ही मांगा था। तुमने डांस नहीं देखा, गाना नहीं सुना? लाओ बिल, नहीं तो पुलिस को बुलाना पड़ेगा। लो ये 20 रुपये। सरदार बोलो नहीं, क्या है? इसने मेरा पटवा मारा है। कुछ शुक्र कर, तेरा जान नहीं लिया। जान ये क्या लेगा, जान तो मैं लूंगा इसकी। तुम भी अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो दिला दो मेरा पटवा। कुछ अगर ना दिलाऊं तो? तो तुम लोग आगे मत बढ़ो। अच्छे क्या काम करता है? पहले मेरा बटवा दिलवाओ। वापस कर दो इसका बटवा। सरदार वापस कर दो इसका बटवा। कुछ बड़ा जवान मर्द बना फिरता, तुमसे बहादुर तो ये निकला।
जो जहां की बाजी लगा का हमारे अड्डे में आ घुसा, तुम सब लोग मिलकर इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। अच्छा वापस कर दो इसका बटवा। अच्छा बराबर है, बराबर न होते तो मैं इसे बराबर करता। रे सुनो, अब क्या है? नौकरी करेगा? जेबे नहीं काटूंगा। बहादुर आदमियों के लिए हमारे पास और भी काम है। क्या? जुआ खेलना जानता? जुए ने यहां तक पहुंचाया है। अरे बहुत अच्छे लाले की जान, बहुत अच्छे। यहां पर काम करने वालों का दिल पत्थर का ही होना चाहिए। मैंने इन हाथों से लोहा सीधा किया है। बहुत खूब, बहुत खूब। आज से तुम हमारा साथी। कुछ पेशगी चाहिए। कितना? 500 रुपए और 4 दिन की छुट्टी। क्यों डर गया वे? बाहर जाने का इरादा है क्या? नहीं, गांव से बाल बच्चों को लाना। इस अड्डे में बाल बच्चा रहना नहीं मांगता। उनका मैं बाहर इंतजाम करूंगा। ओ, बाहर इंतजाम करेगा? वापस आएगा क्या? भरोसा रखो सरदार। भरोसा? कैसे भरोसा रखूं? लिखा नहीं हूं, नहीं तो इस खून से लिख भी देता। ओ खुदा कसम, खुदा कसम, तू बहुत काम का, अरे तू मर्द आदमी है। हम तुम भी बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। अरे लो 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 बाबा लो, 1000 रुपया तुम्हारे लिए। 1000? हाँ, तो 1000 रुपया, 500 तुम्हारे बीवी बच्चों के वास्ते और 500 तुम्हारा इन कपड़ों के वास्ते। ये कपड़े यहाँ नहीं मांगता बाबा। मगर बिटिया सुनो, इतने बड़े शहर में इस नन्ही सी जान को लेकर कहाँ भटकती फिरोगी? मेरी मानो, मेरे साथ मेरे घर चले चलो, वहाँ जो रुखी सुखी होगी मिलकर खा लेंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी काका, मगर मैं आज ही शहर जाऊंगी और बापू को ढूंढ कर लाऊंगी। काका आप मुझे गाड़ी में बिठा देंगे ना? मगर बिटिया तुम अकेली जान। नहीं काका, हम बगैर बापू के जिंदा नहीं रह सकते काका। अच्छा, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं बिठा दूंगा। अच्छा। जय शंकर। कहिए भाई, कहां की तैयारियां हो रही हैं? तुम यहां क्यों आए हो मुरली? सुना था कि तुम गांव छोड़कर जा रही हो। मैं तो सिर्फ ये कहने आया था कि मेरे होते हुए तुम्हें गांव छोड़ने की क्या जरूरत है। जहां तुम जैसे गुंडे और बदमाश रहते हो उस गांव में कोई शरीफ लड़के नहीं रह सकते। चले जाओ यहाँ। जय शंकर। हाय 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 हाय, उससे मैं तुम और भी सुंदर दिखाई। दफा हो जाओ यहाँ से, नहीं तो चिल्ला के सारा गांव इकट्ठा कर लूंगा। हाँ, शोर मचाने की क्या? मेरी दीदी को हाथ लगाया तो खोपड़ी तोड़ दूंगा। जय शंकर। सर तोड़ दो। अच्छा माला जी, इस वक्त तो चला जाता, लेकिन याद रखना मुझसे बहुत दूर न जा सकते। जय
देखते ही देखते ये सब क्या हो गया काका? ये सब तुम्हारे जोर शराब की मेहरबानी है शंकर। अच्छे भले मजदूरी करते थे, उस मुरली के चक्कर में फंस के तुमने अपना घर बर्बाद कर लिया शंकर। तुम ठीक कहते हो बंसी काका, ये सब मेरा ही दोष है। अब मैं शहर जाता हूँ अपने बच्चों को ढूंढने। तुम ये रुपए रख लो, अगर मेरे पीछे मोहन और माला आ जाए तो तुम उनका ख्याल रखना। भगवान जाने वो कहाँ मारे मारे फिरते होंगे। माला, ओ बेटी माला। क्या है बाबा? चल बेटा चल। बाबा, बाबू को ढूंढते ढूंढते कितने दिन हो गए, अभी तक कुछ पता नहीं चला। बाबा कहीं दूसरे गांव चल के ढूंढे। बेटी, अब तक तो हम छोटी छोटी बस्तियों में ढूंढते रहे हैं, आज शहर चलेंगे जहां बड़े बड़े लोग रहते हैं। वहां बापू मिल जाएंगे। ईश्वर पर भरोसा रख बेटा। मोहन चलो बाबा। Thank you.
शाबाश बेटी शाबाश। मोहन चल। झोपड़ी में घुसा है, हमारी मदद कीजिए ना। उधर पुलिस स्टेशन आना होगा मुझको और मेरा भाई। घबराओ नहीं, तुम्हारा भाई भी मिल जाएगा। मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूं। आप? हाँ। आओ। मुरली भैया, ये कौन है? माला कहाँ है? माला तो भाग गई, मोहन बुलाया। माला भाग गई, नालायक लेने के लड़की को लिया, लड़के को मैं इसका क्या करूंगा? देखा जाए। जय शंकर। क्या हो रहा है शिव सिंह? तुम यहां कैसे आए? जय शंकर। शेर सिंह, ये तुम खान साहब कब से बन गए? बीटू 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 बताते। देखो मुरली, हम तुमसे बात बोलते हैं। आज से तुमने हमको कुछ शेर सिंह नहीं कहना, कुछ शेर खा बोलना। शेर खा? हाँ, जैसे मौका वैसे धुक। अच्छा शेर सिंह,
मेरा मतलब है शेर खान, एक बहुत जरूरी काम आ पड़ा। अच्छे बोलो, क्या जरूरी बात है? एक बच्चे को दिल्ली पहुंचाना है, इनाम 10,000 रुपए। मैंने सोचा क्यों ना किसी दोस्त का फायदा कराया जाए। अच्छे इनाम तो बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है, लेकिन मुरली एक बात सुन। बोलो। खतरनाक बात तो नहीं है ना? क्या नहीं, कुछ खतरनाक बात नहीं। बोलो। बच्चे को उसके घर पहुंचाना है और 10,000 रुपया वहां से ले लेना है। बस। इसमें शेर खान को क्या मिलेगा? शेर खान तुम्हारे लिए तो मैं पेश की रहा हूँ, पेश की। लेकिन मैं इस पुलिस स्टेशन को धर्मशाला नहीं बना सकता। मैं किसी भी कोने में पड़ी रहूंगी। तुम समझते कि नहीं, किसी का यहाँ ठहरना गैर कानूनी है, मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी, किसका दरवाजा खटखटाऊंगी? मेरी ये प्रार्थना आपको सुननी ही पड़ेगी, नहीं तो मेरे भाई की तरह मुझे भी गुंडों का शिकार ना पड़ेगा। थानेदार जी, मैं आपके हाथ छोड़ती हूँ। ये तुम क्या कर रही हो? अच्छा बाबा, अच्छा मैं कोई इंतजाम करता हूं, ये रोना धोना बंद करता हूं। प्रीतम, प्रीतम बोले, तुम रात भर के लिए किसी धर्मशाला में इस लड़की का इंतजाम कर सकते हो? धर्मशाला? आपका अगर थोड़े कम से कम है क्या? मतलब ये है कि आपका लंबा चौड़ा मकान है, चार पांच बेड, पांच बेडरूम है, तीन चार किचन रूम है, सब कुछ। लेकिन मैं माँ को कैसे मनाऊंगा, वो तो घर में किसी को भी रहने नहीं देगी। ओ सर, इसको रहने देंगी? तुम कैसे कह सकते हो? इसका मॉडल देखकर। ए लड़की, तुम्हें रामायण या महाभारत पढ़ना आता है? रामायण महाभारत? मेरा मतलब ये है कि जरूरत पड़ने पर एक आध भजन सुना सकती हो। भजन? हाँ हाँ, भजन सुना सकती हूँ। फिर क्या बात है, माता तुम सुना तो बिठा लेंगी। तो सुनाओ भजन और करो भोजन। सर ले जाइए इनको। अच्छा तुम बाहर बेंच पे बैठो, ड्यूटी खत्म होती है मैं तुम्हें ले जाऊँ। आओ। ओ माँ। आ गया बेटा? हाँ माँ। माँ मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी नौकरानी ढूंढ के लाया। यही तूने उस लड़के के बारे में भी कहा था, वो बटवा लेकर भागिया कि अलमारी तोड़कर भागेगी? पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती माँ, ये लड़की बहुत नेक और शरीफ है। तू उस लड़की को पहले से तो नहीं जानता? मैं नहीं, तो बिल्कुल नहीं। तो फिर उसकी इतनी सिफारिश क्यों कर रहा है? तो दरअसल बात यह माँ की, ये बेचारी बहुत ही मुसीबत में फंसी हुई है। कुछ दिन पहले गांव से इसका बाप गायब हो गया, उसी की खोज में बेचारी शहर आई है। साथ में छोटा भाई था, उसे कल गुंडे उठा कर ले गए। इतना ही नहीं माँ, उस बेचारी के पास सर छुपाने के लिए एक झोपड़ी थी, उसे भी गुंडों ने खत्म कर दिया। ये दुनिया बहुत बड़ी है बेटा, आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है, हम किस किस की मदद करते फिरेंगे? माँ शहर में न जाने कितने भीख मंगे हैं, लेकिन हम भीख तो उसी को देते हैं जो हमारे सामने झोली फैलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि तूने इस घर को धर्मशाला समझ लिया है? कान खोल कर सुन ले दीपक, अगर तूने अपनी मनमानी की तो अच्छा नहीं होगा। मैं उस लड़की को अपने घर में बिल्कुल आने नहीं दूंगी। अच्छी बात है, मैं उस बेचारी को भरोसा देकर आया था, लेकिन अब मैं जाकर उसे कहूंगा कि मेरे माँ के सीने में दिल नहीं, एक पत्थर का टुकड़ा है, जिसे दया की आशा रखना बेकार। दीपक सुन तो, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है बेटा, जा उसे ले आ। सच? हाँ। ओ मेरी माँ। जा। बड़ी मुश्किल से माँ को मनाया। यही वो लड़की है
अच्छा तो तू साथ ही लेकर आया था। जीती रहो, मुसीबत तो सब पर आती है, इसे अपना ही घर समझना। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? माला। राजीव। ए राजीव। कौन है? ए मामा, इतना जोर से काहे को बम मारता है? कहाँ लेकर दुकान छोड़ के चला गया? आए? चला गया? हाँ। तो क्या तुमने गाने की दुकान चलाने को लिया है? नहीं, मैं उसकी साली हूँ। साली? क्या नाम है तुम्हारा? सोना। मगर तुम्हें सब काहे को पूछता है? तुम क्या इनकम टैक्स वाला है? नहीं 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 नहीं, मैं सरासू का लंगोटिया यार हूँ। मेरा नाम प्रीतम। प्रीतम? अक्को भाई, काला मटका जैसा तुम, अनि नाव प्रीतम। ए सोना भाई, मैं पुलिस में हवालदार हूँ। हवालदार? हाँ। हवालदार? हाँ। अक्को भाई, चुक हो गई, माफ कर देना। माफ कर दीजिए। क्या लेना है? एक आम दो, रोकड़ा। हाँ ये ठीक है, ये लो। नहीं नहीं नहीं, सोना भाई ये बहुत छोटा है, जरा अच्छा वाला दो। छोटा है मगर रस बहुत ज्यादा है। अच्छा? हाँ, तुम्हें इतना भी मालूम नहीं? मालूम। सोना, तुम्हारी इस गोरी गोरी कलाई में चूड़ियां कितनी अच्छी लगती है। हाँ हाँ, हाँ हवालदार, हाँ। इस तरह दिल फेंकना अच्छा नहीं होता, घर वाले को मालूम पड़ जाएगा तो सर पे वस्तरा फिरा देगी। अरे घर वाली होगी तो वस्तरा फिराएंगे। ओ खुदाया खुदाया, तुम्हारा तो हुलिया ही बदल गया शंकर। कच्चे सब खैरियत है ना? खैरियत कहाँ सरदार, सब चौपट हो गया। कच्चे क्या हुआ? मेरी बीवी मर गई, मेरे बच्चे मुझे ढूंढने शहर में आ गए। मैंने सारा शहर उनकी तलाश में छान मारा मगर कहीं उनका पता ना चला। मालूम नहीं वो बेचारे कहाँ हो। दिल छोटा मत कर शंकर, दिल छोटा मत कर। तुम्हारा बच्चा इस शहर में हुआ तो इंशाल्लाह जरूर मिल जाएगा। इसी उम्मीद पे तो जिंदा हूं सरदार। मुझे क्या काम करना होगा? काम? ओह खुद तो याद आ गया, तुमको आज एक बच्चा लेकर दिल्ली जाने का है और वहां से 10,000 रुपया रोकड़ा लेकर आने का है। इस काम के लिए तुम खुद अभी रवाना हो जाओ। ये तो बहुत बड़ा पाप है सरदार। मैं भी एक बाप हूं सरदार, मेरे बच्चे बिगड़ गए, तुम मेरे दिल की जलन को क्या जानो। यहाँ पर काम करने वालों का दिल पत्थर का होता है, पत्थर का होता है। तू अभी घबरा गया क्या? मैं घबराता नहीं मगर मुझे उस बच्चे पर रहम आता है। रहम? रहम इस धंधे में रहम नहीं चलता हुए, इस धंधे में रहम नहीं चलता हुए। और फिर दुनिया में किसने किस पर रहम खाया है? तुम्हारा औरत मर गया, तुम्हारे बच्चों पर रहम खाया किसी ने क्या? तुम जिंदगी भर लोहा कूटते रहे, तुम्हारे ऊपर किसी ने रहम खाया क्या? और फिर तुम्हारी ईमानदारी वफादारी का पहला इम्तहान है ये। कह दो शंकर तो तुम बेमान हो और तुम्हारी वो खून की कसम झूठी थी। सरदार। ओ शंकर, अच्छा बच्चा जा काम कर और माल ला। बच्चा कहाँ है? बच्चा कुछ बच्चा उधर है। मोहन, मोहन बाबू, मेरे बच्चे। आप कहाँ जाने लगे बाबू? तुम यहाँ कैसे आए? माला कहाँ? मुझे तो बदमाश उठा के लगे बाबू, मुझे यहाँ मुरली लाया। मुरली? जाओ शंकर जी, मैंने सब सुन लिया है। Thank you.
दीपक बाबू, दीपक बाबू। इतनी रात को कौन पुकार रहा है हमें? जाग रही हैं या नींद में बड़बड़ा रही हैं? मैं हूँ माला, आपकी। अरे माला तुम? दीपक बाबू मेरा दुपट्टा तो छोड़िए। दुपट्टा? मैंने तो तुम्हारा दुपट्टा नहीं पकड़ रखा। दबा तो रखा है हाथ के नीचे। अरे ये आप कैसे आ गए? आप सीने पे किताब रख के सो रहे थे, मैं झुक के उठाने लगी तो ये भी गिर गया। बड़ा शरीर है, गिरने से पहले तुमसे पूछा था या नहीं? हंस क्यों रही है? आपकी बात सुनकर भला दुपट्टा भी कहीं पूछ सकते हैं? तो ये अपना आप गिरा था। इसे जरा संभाल कर रखना माला, आइंदा गिरने न पाए। ये अपने साथ किसी का दिल भी गिरा सकता है। ये दुपट्टा? मैंने आपको कच्ची नींद से जगा दिया, इसलिए न जाने क्या क्या बड़बड़ा रहे हैं। दूध पी लीजिए, दूध ठंडा हो रहा है। अच्छा माला, तुम कभी सपना भी देखती हो? देखती हूँ, कल ही रात देखा था। अच्छा? हाँ। क्या देखा था? देखा था कि मेरा भैया और मेरे बापू आ गए हैं, मैं उनसे मिलके बहुत खुश हुई। अच्छा तुम्हारे सपनों में कोई और भी आता? एक बार आप ही आए थे। अच्छा? मैंने कोई गुस्ताखी तो नहीं की थी ना? की थी? क्या? मुझे कहते हुए लाज आती है। हेलो माँ। मैं खिड़की के पास खड़ी थी और आगे मैं बताता हूं, मैं आकर तुम्हारे पीछे खड़ा हो गया, तुम्हारी गर्दन घुमाई। तेरा नाम माला है ना? हाँ। तू शंकर की लड़की है ना? हाँ। अरे मेरी बच्ची, मैं रिश्ते में तेरी बुआ होती हूँ। बुआ? हाँ, तेरे पड़ोस में बंसी चाचा है ना, मैं उनके बड़े भाई की लड़की हूँ। अरे तुझे तो मैंने गोद में बड़ा किया है, तू इसी मकान में रहती है? हाँ। संजोग की बात है, शंकर तेरी तलाश में आधा हो गया है। बुआ मुझे बापू के पास ले चलो। नहीं बेटी, अभी वहाँ चलने में खतरा है, पुलिस अभी तक उसके पीछे पड़ी है। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, एक बार मुझे बापू से मिला दो, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। जल्दी चलो बुआ, अगर मालकिन आ गई तो फिर मैं नहीं जा सकूंगी। मेरा तो इरादा नहीं है, अगर तुम चलना चाहती हो तो चलो। चलो बुआ। सरदार। तेरे मुझे कुछ गिरत आ गया, काम हो गया? काम हो गया, मगर रुपया। रुपया क्या हुआ? रुपया खो गया। रुपया खो गया? वे 10,000 रुपया खो गया, ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? जो आदमी 10-20 रुपयों के लिए जान की बाजी लगाकर हमारे अड्डे में दाखिल होकर हमारे गले में हाथ डाल सकता है, उससे भला कोई 10,000 रुपया कैसे ले सकता है? नामुमकिन, नामुमकिन। तुम हमको बेवकूफ बनाता है, खुद बेवकूफ बनाता है। आ, आ, आ। लो निकालो माल, नहीं तो जान निकाल देंगे। जान हाजिर है सरदार। जान हाजिर है तिल्लो।
जान प्यारी है तो बता दे इधर है मार। बता दो ना शंकर भाई, नहीं तो सरदार खाल उधर लेगा। बता दो। ए, ए, मार। बता दो ना, मैं बताता हूँ सरदार। सरदार ये दिल्ली गया ही नहीं। हाँ, और वो जो लड़का था ना, वो इसी का खोया हुआ लड़का था। हाँ। जुगल सच कहता क्या? हाँ सर। कहाँ है तुम्हारा बच्चा? मैंने अपने बच्चे को भारतीय विद्यालय में भर्ती करा दिया। बहुत खूब, ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया। अब हम पे फिकर हो गया। सुनो शंकर, सुनो, अब अगर तुमने हमारे साथ बेईमानी की या गद्दारी की तो हम तुम्हारे बच्चे को खत्म कर देगा। सरदार जय गुलाब भाई आए। अलावते खान साहब। अदावते गुलाब भाई, कैसी हो? हाँ अच्छा सरकार, मैं अब चलता हूँ भाई। रात को आ जाना जरूर। बहुत अच्छा सरकार। हाँ। एक गुलाब भाई आओ, तुमसे भी बात करें। चलिए। जवाब नहीं खुदा कसम, तेरा जवाब नहीं, बेनजीर तो फैलाई हो तू। गुलबदन, तुम्हारा क्या नाम? खबरदार, अगर मुझे हाथ लगाया तो मैं क्या कर लोगी? मैं शोर मचा दूंगी। तुम्हारी यहाँ कोई नहीं सुने। पागल लड़की, नाच और मालिक का दिल बहला। मैं तुम्हारी जैसी औरत नहीं हूँ, ऐसे जिंदगी से मर जाना बेहतर समझती हूँ। खुशबाश लड़की, खुशबाश। हम तुम्हारी बहादुरी पे बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। और तुम हमारी बात मानो, अगर तुम नाच गाकर हमें खुश करता तो हम वादा करता, खुदा कसम तुम्हारे जिस्म को कोई छू नहीं सकता। मगर तुम जैसे गुंडे और बदमाश का क्या भला? लड़की, हम बदमाश जरूर है, बेईमान नहीं। हम दौलत लूटता, किसी की अस्मत नहीं लूटता। ये शेर खान का वादा है, गुलाब भाई का नहीं। नाचो ऐसा नाचो कि तुम्हारे साथ साथ जमीन नाचे, आसमान नाचे, सुराही नाचे, जाम नाचे। जो हमने पूछा
प्यासे आँखें प्यासे लबें प्यासे इस महफिल में सब है प्यासे सोहर उठा पापिया सबको पिलासा पिया आँखें प्यासे लबें प्यासे इस महफिल में सब है प्यासे सोहर उठा कभी झूठ नहीं हो सकता लड़की। अच्छा मुरली अकल से काम लो बच्चा अकल से काम लो। अब ये लड़की हमारी हिफाजत में है। हाथ लगाया तो हाथ कट जाए। हाथ नहीं शेर खान आज गले कट जाए। कट जाओ सब एक तरफ। ये मेरा और मुरली का मामला है। Thank you.
शंकर, आज तुम्हारा 3 और 13 का हिसाब चुका दिया जाएगा। यहाँ तो कोई नजर नहीं आता, सब भाग गए। तुम्हारी बेटी कहाँ है? शायद उस कमरे में होगी। तुम लोग उस तरफ देखो, कौन है अंदर? दरवाजा खोलो। माला, तुम? दीपक बाबू, मुझे बचाइए दीपक बाबू, मुझे बचाइए। तुम यहाँ कैसे? ये बुढ़िया मुझे धोखे से यहाँ लिए। सरकार आओश, लेकिन ये तो कहती थी कि तुम उसकी बेटी हो। ये झूठ बोलती है, मुझे बाबू से मिलवाने के बहाने यहाँ ले आई। गिरफ्तार कर लो इसे। चलिए तुम आओ मेरे साथ। रीता, रीता, ये वही लड़की है, ये वही लड़की है। ये लड़की हमारा पीछा कर रही है कि लड़की का हम पीछा कर रहे हैं? तुमने फिर अपनी बकवास शुरू कर दी। बात चुप रहो। हो गया चुप। हमारा तुम कहाँ जाओगे? मैंने बोल चल। हमारा तुमने जवाब नहीं दिया, कहाँ जाओगी तुम? माँ जी के पास, और कहाँ? नहीं माला, अब माँ जी तुम्हें घर में नहीं रहने देगी। तो फिर कहाँ जाओगी? मैं बताता हूँ। वहाँ कहाँ? वहाँ वहाँ जहाँ खिड़कियाँ खुली है, दरवाजा बंद है, ताला लगा हुआ, चाहे तुम्हारे पास है। जिंदगी में कभी कभी तो साफ साफ बात किया था। अरे भाई, बात ये है कि आपका दोस्त है ना, जो कश्मीर गया है, 2 महीने की छुट्टी है। हाँ प्रीतम, आज जिंदगी में पहली मरतबा तुमने अतल की बात। शुक्रिया। इधर सबके सामने भी मैं बेवकूफ जरूर हूँ, मगर उस मामले में नहीं, इस मामले में तुम हो। क्या मतलब? मतलब ये कि भाई जब तक वो वहां है, मैं किसी तरह मैं माधुरी बना दूंगा। अकेली कैसे रहूंगी? तो क्या हुआ, मैं तो रोज मिलने आया ही करूंगा। तुम मेरे लिए कितनी तकलीफ उठा रहे हो जी, मैं तुम्हारा ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे चरण भगवान के छुए जाते हैं। भगवान को तो देखा नहीं, मगर मेरे लिए तुम ये सब कुछ। अच्छी तरह सोच लो क्या कह रही हो। दिल की बात जबान तक आ ही जाती है। सच?
नई नई है मंजिले, नए नए हैं रास्ते, चलना जाना छोड़ के हमें खुदा के वास्ते, नई नई है मंजिले, नए नए हैं रास्ते, सफर मिला कितनी हसीन बात है, वो हाथ खुश नसीब है जिनमें तुम्हारा हाथ है, फूल मुस्कुरा दिया महकी हुई बहार ने, सजदे में सर झुका दिया, निसार में उस हुस्न के जिसने खुदा भुला दिया, नई नई है मंजिले, नई नई है रास्ते, चल न जाना छोड़ के हमें खुदा के वास्ते, नई नई है मंजिले, नए नए हैं रास्ते, चल न जाना छोड़ के हमें खुदा के वास्ते, नई आजकल तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है? कल मैंने तुमसे कहा था ना, मिस्टर चड्डा के लड़के की सालगिरह है, मैं मसरूफ हूँ, तुम तोहफा लेके वहाँ पहुँच जा। हाँ सर, मैं घसी तो बाहर निकला कि बिल रास्ता काट गई, आगे बढ़ता हूँ तो पाओगे चूहा आ गया, और जब रास्ते पे आया तो फायर ब्रिगेड से टकरा गया। हाँ, नहीं नहीं, तरकारी वाली से टकरा गया। क्या तरकारी वाली? यानी भाजी वाली। ओ प्रीतम हवालदार। ओ पर गया। कौन है ये? तरकारी ब्रिगेड। अभी आया आपको मरने आ गई, कोई अफसर देखने का तो मेरे बाहर बच जाएंगे। क्या करूं हवालदार, काम ले अर्जेंट हो तो। म्युनिसिपैलिटी की लारी मेरी भाजी की टोकरी ले गई। दुकान में से? ना, नीचे पड़ी थी। तो नीचे क्यों पड़ी थी? दर्रज उसी माफिक पड़ी रहती थी। हाँ, मजा आएगा, दस पाकी चमक जरूर पड़ने वाली है। मेरे साथ चल कर अपने साहब को जरा बोल दो ना। साहब मेरा बाप नहीं लगता, वो डिपार्टमेंट से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अक्कू भाई, फिर तुम हवालदार किस बात के हो? ओहो, मैं तुझे कैसे समझाऊं? प्रीतम। हाँ सर। प्रीतम। अरे हाँ सर।
प्रीतम। यस प्रीतम की प्यारी थोड़ा सा चल वरना मैं डरा जाऊंगा। मगर मेरी भाजी की टोकरी। मैं ले आऊंगा मैं ले आऊंगा। छप्पन राज जी छप्पन प्रीतम प्रेस दबा हो जाओ वरना मैं दबन हो जाऊंगा। बगा हाँ अगर तुम नहीं है तो हमेशा के लिए कट्टी। नहीं नहीं मैं लूट मार का धंधा नहीं करूंगा। तू हमारा नुकसान कैसे पूरा करेगा। जुए की देवी मुझ पर मेहरबान है। जुए खाना खोल लो चंद दिनों में मालामाल कर दूंगा। जुआ और पुल का धंधा है शंकर। मर्द लोग मार पीट कर दौलत पैदा करता है किसी देवी का सहारा नहीं लेता। तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा। तुम ये काम नहीं करोगे तो अच्छा कोई है। देखो तुम लोग जाओ और जो ही शंकर का बेटा स्कूल से बाहर निकले तो उसे फौरन उठा के ले आओ और अगर वो आवाज दे तो उसका गला हमेशा के लिए दबा दो। सरदार शंकर तुम घबरा गया क्या। हम तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं करेगा। हम उसको अपने पास रखेगा अच्छा खाना खिलाएगा अच्छा कपड़ा पहनाएगा अच्छे खिलौने देगा और अगर तुमने किसी काम को ना बोला तो हम उसको आराम से मार देगा। तुम लोग जाओ मुंह क्या देखते हो जल्दी जाओ। नहीं नहीं आप किनको न भेजिए। तो क्या हमारा काम करेगा। कोशिश करिए। हमें यह ढीला जवाब नहीं मांगा मर्द का जवाब मांगता है। करूंगा। शाबाश शाबाश बहुत अच्छा। अजी हजरत जरा सुनिए। फरमाइए। जरा मुझे स्टेशन तक लिफ्ट देने की तकलीफ गवारा फरमाएंगे जी। बात यह है मेरी इम्फाला मोटर कार ने दम तोड़ दिया। इम्फाला। जी हाँ इम्फाला वो रही सामने। वो इम्फाला है। जी हाँ वो तो चकड़ा है। जी हाँ मेरे लिए बहुत बड़ी बात। आइए आइए तशरीफ रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तारीफ। मुझे नवाब करामत अली खान कहते हैं। पान शौक फरमाइएगा जी। अजी हजरत ये लखनवी पान है। इसमें वो जर्दा और चूना लगाया गया है जिसे आप एक दफा खाकर जिंदगी भर न भूल सकेंगे। नमूनतन हाजिर है शौक फरमाइए। बहुत जरा आप गाड़ी को यहीं रोक। कब से शुरू कर दी। ये घड़ी नहीं है
गले का नेकलेस है, नेकलेस। हाँ, नेकलेस है। हाँ। सोनिया, तुम अब भी मोहब्बत मुझसे करती हो? सोचना पड़ेगा। क्यों? अंधे से मोहब्बत करो और रोज रोज घर तलक पहुंचा। ना बाबा, मुझे ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए। देखती नहीं, मैं अंधा हूँ। अरे इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, उल्लू की तरह रात को भी देख सकता हूँ मैं। अच्छा, तो तुम मुझे अब तक बेवकूफ बना रहा था? देवा देवा छोड़ी तूने। कौन बुला है? मेरी माँ से आ रही, कहीं छुप जाओ, मैं क्या करूँ? मैं नहीं छुपता। मैंने ऐसे नहीं कहा होगा, मान जाओ, मान जाओ। बात कहेंगे? बात नहीं, फिर भी कहूँगी। कान पकड़, गलती हो गई। पाँव पकड़, पाँव पकड़ती हूँ। कहाँ छुपू? कहाँ? रसोई में। अच्छा, नहीं इधर, नहीं इधर, इधर इधर। रोने, रोने। रसोई में काम कर रही थी। रसोई में काम कर रही थी। अच्छा अच्छा, चल एक कप चाय तो बना के पिला। हाँ, लेकिन मौसी दूध दूध नहीं है तो क्या हुआ? ये कैसे ले आ? मुश्किल की है, जा जल्दी जा। थक गई। अरे जल्दी जा, इतनी चाय बने, थोड़ा पानी पीऊं, गर्मी के मारे जान निकल। सब काम हो गया? सब हो गया। तो लाओ माल। पहले ये बताओ, तुम्हारा मेरी वजह से कितने का नुकसान हुआ था? कुछ तुम क्या बोलती, हम कुछ नहीं समझा। तो अच्छी तरह समझ लो खान साहब, इस माल में से तुम्हें वही 10,000 रुपए मिलेंगे और बाकी बाकी वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आए हैं। किस लिए? इसलिए कि ये माल एशिया मिल के मजदूरों का है, जिनके बच्चे भूख से तड़प रहे होंगे। तेरा को मत बनाओ, निकालो माल। सिर 10,000 उठाओ। तुम पागल हो गए हो शंकर? पागल तो मैं उस दिन था जिस दिन तुम्हारी छुरी मेरे बच्चे की गर्दन पे रखी हुई थी। आज पागल नहीं हूं शेर खां। शंकर, हमारे अड्डे पे आया हुआ माल वापस नहीं जाता। आज चला जाएगा। आज मैं हर वो आंख निकाल दूंगा जिसने टेढ़ी निगाह डाली। आज मैं हर वो हाथ काट दूंगा जो मेरी तरफ उठा। आज आज मैं इस अड्डे को मिट्टी का ढेर बना दूंगा शेर खां, अगर किसी ने मेरा रास्ता रोका। तू बेईमान हो गया है, जानता है इसकी सजा क्या है? सजा तो मैं पहले ही भुगत चुका हूं। आज भी तुम्हारे हंटर के निशान मेरी पीठ पर मौजूद है। दुनिया को लूट कर मासूम बच्चों को बेचकर जिंदगी गुजारने वालों के पास ईमान कहां से आया जो मुझे बेईमान बना रहे हो खान साहब? तू हमारी रकम लेकर यहां से जिंदा नहीं जा सकता। रकम तो वापस जा चुकी, अब अगर जिंदगी से खेलने का शौक बाकी रह गया हो तो वो भी पूरा कर देखो। अदावर्स जय शंकर। जाते कहां? माल मेरे हवाले कर दो, आज बदला लेने का मौका मिला है। इतने दिनों से कलेजे की लगी आग आज बुझा कर ही रखूंगा। ये मुरली, आग बुझाने से पहले तेरा कलेजा बाहर निकाल लूंगा बच्चा। चाचा, ये मर्दों का अड्डा है, किसी गुलाब बाई का कोठा नहीं। तुम बीच में मत पड़ो शेर खान, वरना एक की बजाय दो लाशें नजर आएंगी। आप समझे? Yeah.
का बच्चा भाग गया, बच्चा भाग गया। शंकर, शंकर, इससे पहले के वजली पुलिस को यहां ले, तुम यहां ले। शेर खान, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगा। शेर खान, तुम्हारी जान खतरे में। तुम हमारे फिक्र मत करो, तुम जाओ, हम इतनी आसानी से मरने वाला नहीं। खुदा की वजह से जाओ ना, जाओ। ये रुपया भी साथ ले जाओ। खुदा जाओ। कहाँ जा रहे हैं हुजूर? सेठ जी से मिल। सेठ जी से मिलना, जाइए तशरीफ ले जाइए। क्या है? सेवा तो मैं करने आया हूँ आपकी। कितना रुपया गया है आपका? रुपयों पूरा 1,00,000। आपको जानते हैं क्या है? सेठ जी, मेहता जी कहते हैं कि इस आदमी का हुलिया उस आदमी से मिलता है जिसने आज उनका उल्लू बनाया था। आप कहें तो पुलिस को खबर कर दो। जरूर जरूर, धर्म के काम में देरी किस बात की। हाँ जी, तो मैं ये पूछ रहा था कि आप कुछ जानते हैं? अगर आपका रुपया आपको मिल जाए तो उसमें से हमें कुछ इनाम मिलेगा? इनाम जरूर मिलेगा, पर रुपयो कहाँ है? ये रहा आपका रुपया। रुपयो गिन ले। रुपयो, हाँ। अच्छा सेठ जी, मैं अब चलता हूँ। जय राम जी। जा कहाँ रहे हो भाई? तुमने हमारी सेवा की, हमें तो सेवा का मौका दो। कुछ जलपान करते जाओ। दो कोका कोला। सेठ जी, मेरे पास बहुत कम वक्त है, मैं अब चलता हूँ। आपसे फिर कभी मिल लूंगा। नमस्ते। मारो रुपयो बड़ो पसीने के हुए, हराम को मार ली। गिरफ्तार कर लो इस बदमाश को। बदमाश मैं नहीं, बदमाश तो ये सेठ है इंस्पेक्टर साहब। मैं तो उसके रुपए वापस करने आया था। अच्छा, अब इनके रुपये वापस करना है। अच्छा, गरीब बनने आए। हेलो, क्या शंकर पुलिस लाइन से भागे क्या? प्रीतम, नारायण, रुकते। कबाब में हड्डी। हेलो, मैं बोल रहे हैं सेठ जुगल किशोर, एशा मिल का मालिक। जलील कुत्ते, नेगी का ये बदला दिया तूने? कौन बोल रहे हैं भाई, मैं तुम पहचाने को नहीं पहचानता।
तुमने यहाँ से किसी को भागते हुए देखा? नहीं, मैंने तो किसी को भागते हुए नहीं देखा। क्यों, कौन था? एक बदमाश बहुत बड़ी रकम लूट कर भागता हुआ इस तरफ आया। सुनो, बैठोगे नहीं? अभी नहीं, मैं शाम को आऊंगा। शुक्र है मुझे मेरे दोनों बच्चे मिलकर। मोहन मिल गया बाबू, कहाँ है वो? मुझे उसके पास ले चलो बाबू, मुझे उसके पास ले चलो। मैं तुम्हें फिर कभी ले चलूंगा, आज नहीं। अच्छा तुम ये तो बताओ, तुम इस इंस्पेक्टर को कैसे जानती है? वो बहुत अच्छे आदमी है बाबू, बदमाशों से बचाकर उन्होंने ही मुझे यहाँ आसरा दिया है। अभी अभी किसी चोर का पीछा करते हुए वो यहाँ आए थे, शाम को फिर आएंगे। तुम उनसे जरूर मिलना बाबू। बेटे मैं अभी उनसे नहीं मिल सकता। क्यों बाबू? कुछ ऐसी ही मजबूरी है। तो फिर जाने दो बाबू, मुझे घर कब ले चल रहे हो? मगर मैं तो होटल में रहता हूँ। तो क्या हुआ, मैं भी होटल में रहूंगी। तुम तो जानती ही हो कि पुलिस मुरली को मारने के जुर्म में मेरे पीछे पड़ी हुई। मगर मुरली तो जिंदा है। इससे जुर्म तो माफ नहीं हो जाता। अब तुम्हें छुपने की कोई जरूरत नहीं बाबू, मैं उनसे कहती सब ठीक करवा लूंगी। चलो मुंह हाथ धोकर खाना खा लो। देखो तो इस बैग में क्या है। एक बदमाश बहुत बड़ी रकम लूट कर भागता हुआ इसी तरफ आया है। ये मैं सब जान गई, ये रुपया चोरी के, वो तुम्हारा ही पीछा करते हुए यहाँ आए थे। ये तुमने क्या किया बाबू, ये तुमने क्या किया? मुसीबतों की चक्की ने मुझे पीसकर चोर और लुटेरा बना दिया। एक शरीफ और मेहनती इंसान आज समाज और कानून की नजरों में गुनाहगार बन गया है बेटे। बाकर ये सब छोड़ दो, हम वापस गांव चलते हैं, मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे। आज ही चलो बाबू, किसी वक्त चलो। और वो इंस्पेक्टर जिसने तुम पर इतने एहसान किए, उन्हें मैं भूल जाऊंगी बाबू, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी बाबू। ये इतना आसान नहीं है बेटी। बाबू तुम फिक्र ना करो माला, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। Come now, come.
अरे उस मुखारा करूंगा तेरा क्या होगा, वो तो खामा गले पड़ रही थी। वाह जी वाह, वाह जी वाह, कैसे छोड़ू तेरा साथ, ऐसी थी सी ये बात, तूने लूट लिया, तूने लूट लिया दिल मेरा वल्ला। के मुझे पास दिला के झूठी आस, तूने लूट लिया, तूने लूट लिया दिल मेरा वल्ला। जा रे जा, काहे छेड़े प्रेमान, तुझे मैं गई जान, झूठा प्यार तेरा छोड़ मेरा पल्ला। गिर न जाऊं जरा थाम ले, बेसबर बेसबर क्या जबा से मेरा नाम ले। नाम तेरा मेरी जिंदगी है सनम, कुछ तो इंसाफ से काम ले। छोड़ू तेरा साथ, है सीधी सी ये बात, तूने लूट लिया, तूने लूट लिया दिल मेरा वल्ला। अरे क्या बात है, आज तुम इतने चुप चुप क्यों हो? ए मुझसे नाराज हो? नहीं माला, मैं तुमसे क्यों नाराज हूंगा? फिर क्या बात है? बात यह है कि कल एक बहुत बड़ा बदमाश मेरे हाथ में आते आते निकल गया। ओह बस इतनी सी बात? इतनी सी बात? जानती हो मुझे अपने ऑफिसर से क्या क्या सुनना पड़ा? तो इसमें मेरा क्या दोष, मुझ पे क्यों बिगड़ती? तुम पे कौन बिगड़ता है, मुझे तो अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। बस तुम तो अपने ही चक्कर में पड़े रहते हो, नौकरी अफसर फर्ज और न जाने क्या क्या। कभी तो ऐसी बातें क्या करो जिससे हम दोनों हमेशा के लिए खो जाएं। आखिर इस तरह कब तक चलता रहेगा? सुनो माला, जब तक वो बदमाश मेरे हाथ में नहीं आता तब तक हमारे शादी ब्याह की बात मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैं कसम खाकर कहता हूं माला, एक तरफ वो बदमाश जेल में सड़ रहा होगा और दूसरी तरफ हमारी शादी की शहनाई गूंज रही होगी। शेर हां, मौत के मुंह में जा रहे हो फिर भी तुमने कोई डॉक्टर नहीं बुलाया? अच्छा तू बहुत सीधा है शंकर,
हम लुटेरों के अड्डे में डॉक्टर कैसे आ सकता है? हम गुनाहगारों की मौत बहुत भयानक होती है। मैं तुम्हारी कोई खिदमत कर सकता हूं? नहीं शंकर, नहीं। मैं अपने गुनाहों का बोझ तुम्हारे कंधों पर नहीं डालना चाहता। अब मैं एक आखिरी दांव खेलूंगा, आखिरी दांव। सीधा पड़ गया तो वतन की तरफ कूच, वरना वरना दूसरे जहां की तैयारी। हम दोनों एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। तुम्हारे दिल की हालत मुझसे ज्यादा कौन समझ सकता है? मैंने ये फैसला किया है, तुम्हारा ये आखिरी काम मैं करूंगा। किसी को देखा था? यहाँ तो किसी को नहीं देखा। तुम किसे ढूंढ रहे हो? उसी बदमाश को, आज फिर धोखा देकर भाग निकला। ओ। सुनिए, आपने यहाँ किसी को देखा है? आ जाओ।
क्या मुसीबत है? तुम्हें क्या हो गया है बापू? तुम कब तक चोरियां करते रहोगे और मैं कब तक तुम्हें छुपाती रहूंगी? जिस दिन तेरी शादी हो जाएगी मैं गुनाहों से तौबा कर लूंगा। शादी मेरी तो दोनों तरफ बर्बादी। अभी अभी तुम यहां किससे बातें कर रही हो? आओ बताओ। ये देखो इन्हीं के सामने माथा रगड़ रही थी मगर मेरी सुनता कौन है? पता चल जाएगा। शेर खां, शेर खां, ये देखो मैं तुम्हारा काम कराया। तुमने मेरे आने का इंतजार भी न किया दोस्त। कौन है वो? बताओ वो कौन है जिसे तुमने दो बार मेरे हाथों से बचाया? मैंने? हाँ हाँ तुमने। ये हार का टुकड़ा देख रही हो? इसे चुराकर वो चोर कल रात यहीं छुपा था लेकिन तुमने मेरी आंखों में धूल झोंककर उसे भगा दिया। बताओ वो कौन है और तुम्हारा उसे क्या रिश्ता? अगर ना बताऊं तो मैं ये समझूंगा कि तुमने हमेशा मुझसे झूठ बोला है, फरेब किया है, प्यार का नाटक खेला है। दीपक बाबू। हाँ माला हाँ। बताओ उस चोर से तुम्हें इतनी हमदर्दी क्यों है? आखिर वो तुम्हारा क्या लगता है? वो मेरा बापू लगता है। क्या कहा? वो चोर? यूं कहो कि तुम बाप बेटी दोनों मिलकर ये नाटक खेलते रहे, तुम्हारी आड़ लेकर वो चोरी करता रहा और तुम उसे बचाती रही। शादी की भी इसीलिए जल्दी थी ताकि उसका रास्ता हमेशा के लिए साफ हो जाए। वो बेफिक्र होकर डाके डालता रहे, चोरियां करता रहे और मैं मजबूर होकर कुछ न कर सकूं। बहुत अच्छा जाल बिछाया था बाप बेटी ने मिलकर। मैं तो तुम्हें एक भोली भाली और मजबूर लड़की समझ रहा था लेकिन आज पता चला तुम अपने बाप से भी आगे निकल गए। नहीं, ये सब झूठ है, ये सब झूठ। क्या झूठ है? तुम्हारा बाप एक चोर है ये झूठ है? तुमने दो बार मुझे धोखा देकर उसे बचाया ये झूठ है? और ये हार का टुकड़ा क्या ये भी झूठ है? अगर ये सब झूठ है तो फिर बताओ सच क्या है? सच तो ये है दीपक बाबू कि मुझे आपसे प्यार नहीं करना चाहिए था। प्यार करने से पहले मुझे सोच लेना चाहिए था कि गरीब माँ बाप की बेटी से कौन शादी करेगा, एक गुनाहगार की लाली का कौन हाथ पकड़ेगा। गलती मेरी है मगर दीपक बाबू आज मैं कसम खाती हूं कि मेरे खानदान के माथे पर लगाया हुआ आपका कलंक धोकर ही रहूंगी, चाहे चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। शाबाश बेटी शाबाश। सुना था औलाद बड़ी होकर मां बाप की नहीं रहती लेकिन आज इन आंखों ने देख लिया ये सब गलत है। आज बेटी बाप के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सुनिए इंस्पेक्टर साहब, वैसे तो आप मुझे जिंदगी भर नहीं पकड़ सकते लेकिन मैं अपनी मासूम बेटी और आपकी तरक्की के लिए यह कुर्बानी भी देने को तैयार हूं। अगर आप जिंदगी भर के लिए मेरी माला का हाथ थाम लें तो मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। कानून से सौदेबाजी नहीं हुआ करती। पिस्तौल फेंक दो और खुद को मेरे हवाले कर दो। इंस्पेक्टर साहब, बेटी के हाथ पीले किए बगैर ये हाथ हथकड़ी नहीं पहन सकते। इस बार तो मेरे हाथ से नहीं बच सकते। चलाओ तुम दोनों गोली चलाओ ताकि तुम दोनों का रास्ता साफ हो जाए। तुम हट जाओ माला। मैं नहीं हटूंगी।
ना तो मैं अपने बाप की मौत का कारण बनूंगी, ना मैं अपना प्यार मिटने दूंगी। बीच में से हट जाओ बेटी। नहीं बापू, अगर तुम्हें गोली चलानी है तो मेरे सीने पे चला, मगर अपने हाथों से अपने बेटे की खुशियां मत छीनूंगा। ठहरो, चलो अंदर चलो। गुनेगार की मदद करने और उसे भगाने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। सरदार, सरदार, क्या है? माला दीदी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। माला को? बाकर, ये सब छोड़, हम वापस गांव चलते हैं, मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, आज ही चलो, इसी वक्त चलो। और वो इंस्पेक्टर जिसने तुम पर इतने एहसान किए हैं, उन्हें मैं भूल जाऊंगी बाबू। हेलो जी, हाँ मैं दीपक बोल रहा हूँ। ओ आप हैं इंस्पेक्टर साहब, अगर मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूं तो आप मेरी बेटी माला को छोड़ देंगे? माला को छोड़ना मेरे अख्तियार में नहीं, उसका फैसला अदालत करेगी। बहुत अच्छा, तो मैं थोड़ी देर में हाजिर होता हूं। मुझे उम्मीद है कानून आपके साथ जरूर रियायत करेगा। यहाँ क्यों आई? माला की जमानत देने। मुझे प्रीतम से सब कुछ मालूम हो गया। तू माला को अपने घर की बहू बनाना चाहता था ना? अच्छा दीपू, हम जा रहे हैं, तू शाम को जल्दी घर आ जाना। हम चलो माला। टैक्सीमैन साहब, आइए आइए बैठिए। मोहन तू? बापू माला दीदी को उंडे उठा कर ले गए। तू जाकर पुलिस को खबर कर, मैं उनके पीछे जाता हूँ। हुआ? नहीं माला दीदी को घूंटे उठा ले गए। माला? साथ में तो बुरी औरत थी। हाँ एक बुरी औरत थी। मैं क्या सरदार जी, मेरी कुड़ू ने गुंडे चुपके ले गए, मेरी मदद कर दे और अब थोड़ा भला करेगा। बैठ जाओ शादी। नहीं मुरली, मुरली नहीं, मुरली Thank you.
Thank you.
दुनिया मुझे यूं ही गुनाहगार समझती रही, लेकिन आज मैं गुनाहगार बन ही गया। बापू चलो हम लोग यहाँ से भाग चले। चलो। नहीं बेटा, मैं कानून से भागना नहीं चाहता। मैंने दीपक को वचन दिया है, मुझे अपने आप को पुलिस के हवाले करना ही पड़ेगा। नहीं बापू, पुलिस हाजिर। मैं अपने आप को खुद कानून के हवाले करता हूँ, मगर जाने से पहले मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में सौंप, क्योंकि इसका इस दुनिया में सिवाय तुम्हारे कोई नहीं। मैंने आपका वचन पूरा किया, आशीर्वाद दीजिए बापू। गुनाहगार का क्या आशीर्वाद बेटा, भगवान तुम दोनों को सुखी रखे। नहीं नहीं